अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों में हम आपको आज दिखाएंगे कहां 3.5 फीट की दुल्हन ने 3.5 फीट के दूल्हे से रचाई शादी, कहां पकड़ी गई ब्लूटूथ वाली लड़की और कहां चोर पति पत्नी ने गायब किए 2 मंगलसूत्र। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अनोखी शादी की, जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे वाह, रब ने बना दी जोड़ी। खबर है मेरठ के थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र की, जहां 3.5 फीट की दुल्हन ने रचाई हापुड़ के 3.5 फीट के दूल्हे से शादी। है ना एकदम मेड फॉर ईच अदर। इस अनोखे दूल्हे और बारात का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ये 30 साल की इमराना है, जिनका कद लगभग 3.5 फीट है। बता दें कि इमराना का परिवार अपनी बेटी के रिश्ते के लिए काफी दिनों से परेशान था, क्योंकि उनको इमराना के लिए इतने ही कद का दूल्हा चाहिए था। वैसे ही दूल्हे को भी बिल्कुल अपनी ही हाइट की दुल्हन चाहिए थी। इसी बीच रिश्तेदार ने बताया कि हापुड़ का रहने वाला इब्राहिम भी इतने ही कद का है और कुवारा है। फिर क्या था, हो गई चट मंगनी और पट ब्याह। इसने कहा कि काफी लोग गवाह बने और हर तरफ इलाके में इस जोड़ी की अब खूब चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, ने कहा कि वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। चलिए अब दूसरी अनोखी खबर की तरफ चलते हैं, बिहार के कटिहार, जहां केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस लेकर परीक्षा देते पकड़ी गई महिला परीक्षार्थी। पकड़े जाने के बाद महिला परीक्षार्थी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परीक्षा सीताराम चमरिया डिग्री कॉलेज केंद्र में आयोजित थी। परीक्षा केंद्र से पकड़ी गई इस मुन्नी बाई के बारे में जानकारी देते हुए जांच में पहुंचे एडीएम ने कहा कि प्रथम पाली के परीक्षा समाप्त होने के कुछ देर पहले एक महिला परीक्षार्थी से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर महिला पुलिस कर्मियों से जांच करवाने के बाद उसे थाने लिया जा रहा है। आगे इस पर गहराई से जांच की जाएगी कि इस ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से परीक्षा के समय वो किस किस के संपर्क में थी। तीसरी अनोखी खबर है मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां एक ज्वेलर्स की दुकान से एक पति पत्नी ने गायब कर दिए 2 मंगलसूत्र। पति पत्नी की यह हरकत दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। ज्वेलर्स ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। बैतूल के सीमेंट रोड इलाके पर स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर शुक्रवार की शाम 4 बजे सफेद शर्ट पहने पुरुष और पीली साड़ी पहनी महिला दोनों मुंह पर मास्क लगाए हुए थे और अपने आप को पति पत्नी बता रहे थे। दोनों मंगलसूत्र खरीदने के लिए ज्वेलर्स की दुकान पर आए थे। दुकान के कर्मचारी ने उन्हें कई तरह के मंगलसूत्र दिखाए, कर्मचारी को बातों में लगाकर रखा और सफेद शर्ट वाले पुरुष ने बाएं हाथ से मंगलसूत्र पहले धीरे से मुट्ठी में रखा और फिर हाथ नीचे करके जेब में रख लिया। मंगलसूत्र पर हाथ साफ करके दोनों ये कहकर चले गए कि उन्हें पसंद नहीं आया। करीब 2.5 लाख रुपए कीमत के 40 ग्राम वजन के 2 मंगलसूत्र चोरी होने का खुलासा तब हुआ जब दुकान के संचालक ने स्टॉक चेक किया तो उसमें 2 मंगलसूत्र कम थे। संचालक ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में फोटो चेक किया तो उसमें ये दंपति मंगलसूत्र चुराते हुए नजर आ गया। उन्होंने इस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।